फ्रेंड्स आलू के चिप्स तो आप हमेशा खाते होंगे, पर क्या केले के चिप्स आपने कभी घर में बना के खाए हैं? तो चलो आज उसी केले के चिप्स की रेसिपी हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं मोनिका आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल माही खाना खजाना में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन झट से आपके पास पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर कच्चे केले को लिया है, आप जितने चाहें उतने। फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर 4 से 5 कच्चे केले लिए हैं, आप जितने चाहें उतने केले का यूज कर सकते हैं। अब हम इनको अलग कर लेंगे। और गैस पे चिप्स फ्राई होने के लिए एक कढ़ाई में ऑयल डालकर चढ़ा देंगे ताकि ऑयल हमारा गर्म हो जाए। फ्रेंड्स अब हम इन केलों को एक साइड में रखेंगे और एक कटोरी लेंगे, कटोरी में थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून नमक लिया है और थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एक मिक्सचर बना लेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक हल्दी पानी तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये हमारा मिक्सर बन गया है। इसको हम एक साइड रखते हैं और ये किस काम आएगा ये हम आगे देखेंगे। अब अपने केले लेते हैं और इन केलों को अच्छे से छीलते हैं। फ्रेंड्स एक बात का ध्यान रखिए, जब भी आप केले की चिप्स बनाए तो एक एक केले को छीलिए या फिर केले को छील के, क्योंकि केले अगर ज्यादा देर छीले होंगे तो वो काले हो जाएंगे, इसलिए हमेशा एक एक केले को छील के चिप्स बनाते जाइए। तो चलिए फ्रेंड्स केले को छीलना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने एक केले को छीन लिया है, इसमें हम ऐसे लंबा एक कट लगा देंगे। इससे क्या होगा हमारा जो केले का चिप्स आएगा ना वो थोड़ा सा लंबा आएगा तो देखने में भी अच्छा लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं कढ़ाई की तरफ और इनको उतारना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स एक बात का ध्यान रखिए, केले के चिप्स को हम आलू के चिप्स की तरह पहले से बना के नहीं रखते, इनको डायरेक्ट कढ़ाई में ही हम चिप्स कटर में तोड़ते हैं। फ्रेंड्स अब हम एक चिप्स कटर लेंगे और अपने केले को लेंगे और इनको धीरे धीरे ऐसे डायरेक्ट कढ़ाई में तोड़ते चले जाएंगे। फ्रेंड्स ये देखिए हमने एक केले के चिप्स को कढ़ाई में ऐड कर दिया है, इनको धीरे से हिलाएंगे ताकि अच्छे से पक जाए। और एक बात का हमेशा ध्यान रहे, जब भी हम केले के चिप्स पका रहे हैं गैस की फ्लेम को हमेशा स्लो रखेंगे और तेल को हल्का गर्म रखेंगे। स्टार्टिंग में तेल गर्म ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसको ऐसे ही पकने देंगे। फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, हमने जो हल्दी और नमक का पानी मिला के रखा था उसमें से 1 चम्मच पानी लेंगे और इसके ऊपर ऐसे गिरा देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स ये लीजिए एक बार के केले के चिप्स बनके तैयार हो गए। इसी प्रकार से हम सारे केले के चिप्स को उतार लेंगे। अब इसको कढ़ाई से बाहर एक प्लेट में निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स आप आवाज सुन ही रहे, बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बने हैं और देखने में भी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। इसी प्रकार से हम दूसरे केले के चिप्स को भी इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए दूसरे बैच के चिप्स को भी हमने अच्छे से तल लिया है और हल्दी नमक का पानी डालने से इनका कलर कितना अच्छा हो गया है। इसी प्रकार से हम सारे चिप्स को तल लेंगे। फ्रेंड्स आप आधे घंटे में बहुत सारे केलों के चिप्स बनाकर तैयार कर सकते हैं, इनमें टाइम नहीं लगता है, बस इनको कटने में थोड़ा टाइम लगता है, बाकी तो ये एकदम बन के तैयार हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स इन्हें भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं और खाने में तो आपको पता ही है अच्छे लगते ही है। तो फ्रेंड्स ये लीजिए बाजार में बहुत ही महंगे मिलने वाले केले के चिप्स आप इजिली घर में कुछ मिनटों में बना सकते हैं और ये है घर के हैं तो हाइजेनिक भी हैं, इस बात का ध्यान रखिए। तो फ्रेंड्स अगर आप इसमें मसाला डालना चाहते हैं तो आप इसमें लाल मिर्च और चाट मसाला डाल सकते हैं। नमक और हल्दी हमने पहले ही डाल के उसका घोल बना के चिप्स के ऊपर डाला था, तो
अगर आपको नमक कम लगे तो आप ऊपर से नमक भी ऐड कर सकते हैं। तो मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स कल फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय बाय।